घर के निर्माण के लिए लोन लेकर एक बैंक के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने घर का निर्माण करने के नाम पर एसबीआई के नमहोल ब्रांच से 20 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन न तो घर का निर्माण किया और न ही लोन को वापस लौटाया। बैंक मैनेजर द्वारा कोर्ट में दी गई शिकायत के आधार पर बरमाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नमहोल ब्रांच के मैनेजर रहे रमनीश दयाल ने अपनी शिकायत में बताया है कि वर्ष 2009 में एक व्यक्ति ने घर के निर्माण के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था। उक्त व्यक्ति मूल रूप से किन्नौर का रहने वाला है, लेकिन नमहोल के साथ लगते अर्की क्षेत्र के चमाकड़ी में भी उसका घर है। उसने चमाकड़ी में मकान बनाने के लिए लोन मांगा था। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक ने उसका 20 लाख रुपए का लोन मंजूर कर दिया। लोन वापस लौटाने के लिए उसकी मासिक किस्तें भी निर्धारित कर दी गई। जब निर्माणाधीन मकान का जायजा लेने के लिए राजस्व विभाग ने मुआयना किया तो खुलासा हुआ कि संबंधित जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया था। उक्त व्यक्ति ने 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद लोन भी वापस नहीं किया, लिहाजा उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के साथ उससे लोन का पैसा भी वापस दिलाया जाए। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। थाना प्रमाणा के अंतर्गत नमोर क्षेत्र के एक व्यक्ति के खिलाफ स्टेट बैंक से 20 लाख रुपए हाउस लोन लेने और वापस न करने के संदर्भ में मामला दर्ज किया गया है 420 आईपीसी के अंतर्गत। इस व्यक्ति ने 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया था। ना तो उसने लोन वापस किया और ना ही उसने घर का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया। जब इसकी वेरिफिकेशन बैंक अथॉरिटीज द्वारा की गई तो उसमें ये जो है सारी उस व्यक्ति की संलिप्तता और ये धोखाधड़ी सामने आई, तो पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक जो है वो दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।